हाय फ्रेंड्स, टेंथ सेटर में आपका बड़े से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर शेयर के बारे में, जो करंट मार्केट प्राइस 479 में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 6.5% का आपका लास्ट ट्रेडिंग सेशन, मतलब आज का ट्रेडिंग सेशन में बंद हुआ है दोस्तों। और बेस्ट आपको पता ही है, टाटा मोटर्स जो व्हीकल कंपनी और ऑटोमोबाइल सेक्टर का दिग्गज और सबसे बड़ा खिलाड़ी है, वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इंडिया एंड नॉट ओनली इन इंडिया, इसका जो भी ब्रांड है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली आपका पोजीशन और बहुत अच्छा एक ब्रांड वैल्यू बन चुका है। मार्केट कैप 1,71,000 करोड़ का, करंट मार्केट प्राइस 479। अभी बात कर लेते हैं कि स्टॉक का आरओसी और डिविडेंड उतना अच्छा देता नहीं है दोस्तों। आरओसी 1.40 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये तो बहुत दिनों से नीचे, लास्ट क्वार्टर में बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था। निफ्टी के साथ ये मूव होता है, जैसे जैसे निफ्टी बढ़ेगा तो ये स्टॉक में भी बूम आता हुआ दिखेगा। फेस वैल्यू 2 का है, बहुत बार स्प्लिट हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है, एक शानदार एक कंसोलिडेट, ये देखो कंसोलिडेट के बाद एक शानदार आज ब्रेकआउट दिया है 450 के लेवल को। और ब्रेकआउट के साथ साथ ये आने वाले टाइम पे ये 50 डेज 200 डेज के मूविंग एवरेज को जस्ट टच किया है। तो यहाँ से 50 डेज मूविंग एवरेज जो येलो लाइन है, जहाँ जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा तो आपको 540 का नियर टर्म टारगेट देखने को मिलेगा। और इसका वजह भी है दोस्तों, इसका वजह क्या है वो भी हम देख लेते हैं। और आने वाले टाइम पे जो चार्ट दिखाऊंगा उसमें आपका जो न्यूज़ निकल गया है, क्योंकि जुलाई सेशन में आपका 6% के ऊपर इसका ऑटोमोबाइल सेक्टर का इंडस्ट्री का सेल्स ग्रोथ बढ़ा, सेल्स बढ़ा, डिमांड बढ़ा। और इसीलिए आपका डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ा कि सेल्स दे इसके जो भी आपका शोरूम में उतना ज़्यादा आपको प्रोवाइड कर नहीं पा रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिमांड आपका पेंडिंग ऑर्डर में है। तो इसलिए जुलाई में आपका 6% सेल्स ग्रोथ बढ़ा, तो इसलिए स्टॉक ने भी ब्रेकआउट अपना तोड़ा और तोड़ के एक न्यू फ्रेश हाई की तरफ जा रहा है। और फ्रेश हाई जो है पहले जो 540 का था, उस लगातार 540 के आसपास जाके ये रुकने वाला है दोस्तों। उसके बीच थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है 500 के रेंज में, क्योंकि ये थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में चला गया है, उतना अच्छा डिविडेंड देता नहीं है। स्टॉक का सेल्स ग्रोथ आपको पता ही चला है कि जून क्वार्टर में थोड़ा गिरा हुआ था, क्योंकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड उतना हिसाब से हुआ नहीं था। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पूरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नीचे था, तो इससे कुछ कहना नहीं है। इस हिसाब से ये स्टॉक ख़राब नहीं है दोस्तों, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो में आपका रखने वाला स्टॉक है। और अभी नियर टर्म में आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। CAGR 1 ईयर में 63% और 3 ईयर में 54% का निकल के दे रहा है, तो बहुत अच्छा माना जाता है। कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतना अच्छा आपका देता नहीं है। अभी पोर्टफोलियो देख लेते हैं दोस्तों। और शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर्स का 46.40 है। FII का देख सकते हो कि FII थोड़ा सा माल लिखा बिका है, मतलब मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर में क्यों। और FII का बिकने के साथ साथ ये स्टॉक भी धर्म से 500 के लेवल से आपका 378 में आता हुआ दिखे था आपको। और DII अभी देखो धीरे धीरे बुलिश हो रहा, DII आपका इस क्वार्टर में FII ने बेचा, तो DII को पता था कि ये स्टॉक फिर से ऊपर आ जाएगा। और FII अभी बहुत ज़्यादा बाई कर रहा है इस स्टॉक को, गवर्नमेंट भी अपना स्टॉक ठीक ठाक रखा है। और सबसे बड़ी बात है पब्लिक से भी बाई कर रहा है। पब्लिक का देखो स्टॉक थोड़ा कम हो गया, 26.62 से 24.57 हो गया, तो गवर्नमेंट आपका DII इस स्टॉक को ज़्यादा बाई कर रहा है। अभी देख लेते हैं कि न्यूज़ निकल के क्या सामने आया है। देखो अभी भी आपका जो 78% गेन हुआ है, जो 52 वीक लो था, तो 78% एक्चुअल में ये दे दिया स्टॉक। अभी जो है 71 जो है इसको ओवरबॉट जोन में चला गया है। अभी टेक्निकली बहुत ज़्यादा बुलिश है, थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है, लेकिन MFI उस हिसाब से बढ़ा नहीं है, तो इसीलिए एक मोमेंटम ट्रैप बन सकता है दोस्तों। लेकिन ये ट्रैप बनेगा नहीं, MACD अभी 10% में है। क्यों नहीं बनेगा मोमेंटम ट्रैप दोस्तों? क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है, सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है तो वॉल्यूम आना शुरू होगा, वॉल्यूम आएगा तो MFI भी ओवरबॉट जोन की तरफ जाएगा और एक शानदार स्ट्रॉन्ग टेक्निकली बुलिश इंडिकेटर दिखाएगा। तो अभी देखो हाई है, अभी 78% अपने लो से दे चुका है दोस्तों, और ये एक अच्छा माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका आप देख सकते हो कि 6% आज बढ़ा है, 6% से ऊपर। और न्यूज़ टाटा मोटर्स देखो, जुलाई सेल्स ग्रोथ का 51%, तो सेल्स राइज किया है 51% टू 81,790 यूनिट्स का आपका ये हुआ है, ठीक है। तो ये कंपनी का सोल्ड टोटल्स 54.1
119 यूनिट्स इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट इन जुलाई लास्ट ईयर। तो ये टाटा मोटर्स की तरफ से आया हुआ है और जुलाई 2022 में ड्राइंग स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन पैसेंजर व्हीकल डोमेस्टिक मार्केट में सबसे ज़्यादा आपका सेल्स ग्रोथ हुआ है। कंपनी हैड सोल्ड टोटल 54,119 यूनिट्स इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट इन जुलाई लास्ट ईयर। तो उस लास्ट ईयर से ये लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा सेल्स ग्रोथ दिखाई दिया है आपको, जो 51% का आपका सेल्स ग्रोथ जो सिर्फ आपका डोमेस्टिक पैसेंजर में ही हो गया। तो टोटल डोमेस्टिक वेयर 78,978, तो ग्रोथ 52% के आसपास है दोस्तों। और पैसेंजर और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स भी आपका 4,000 यूनिट का हुआ है ये वन मंथ में। तो ये एक बहुत अच्छा माना जा रहा है दोस्तों। अभी देख लेते हैं इसका राइज आफ्टर सेल्स जूम्स 51% जुलाई का हर जगह पे दिया हुआ है, हर एक टेक्निकल एनालिसिस और एक्सपर्ट